आज मैं पोहा कटलेट बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं चूड़ा ले लूंगी। चूड़ा को अच्छी तरीके से धो लेना है और थोड़ी देर भिगा के छोड़ना है, 2 से 3 मिनट, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट आप छोड़ सकते हैं भिगा के, क्योंकि पोहा जो है एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने पानी से निकाल लिया है पोहा, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको इस तरीके से निकाल दें। और यहाँ देखिए मैं चम्मच से थोड़ा दबा दबा के, और भी जो यदि पानी हो तो उसको भी निकाल दूंगी। और यहाँ देखिए मैंने चूड़ा एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ, और इसको हाथों की मदद से मैं मैश करने का कोशिश करूंगी, एक डो की तरह बनाने का कोशिश करूंगी। हाँ जी, चूड़ा अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बॉयल किए हुए आलू, हरी मिर्च, प्याज बारीक कटे हुए, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला और जीरा मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। हाँ जी, 2 चम्मच के करीब करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया ताकि बाइंडिंग में अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए। और इसको अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे, चम्मच से मिलेगा नहीं तो हमें हाथ ही लगाना पड़ेगा, तो हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, मिला ले। और यहाँ देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने चूड़ा को फ्राई करके उसका पाउडर बना लिया है। तो अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद पानी ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब करीब। मैंने कॉर्नफ्लोर 4 से 5 चम्मच लिया है, और इसको अब अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा डो रेडी हो चुका था। तो अब मैं इसे कटलेट का शेप दे रही हूँ। कटलेट का बोलने या टिकिया बोलने बात एक ही है, बस थोड़े से मसालों का फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए लेके मैंने स्लरी में, जो कॉर्नफ्लोर का स्लरी हमने तैयार किया था उसमें डिप कर देंगे। उसका जो चूड़ा मैंने फ्राई करके रखा था पाउडर बना के, फाइन पाउडर नहीं, उसमें अच्छी तरीके से मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो मैंने अब इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। और यहाँ देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे करके जो हमारे पोहा कटलेट है उसे डाल दूंगी। और आराम आराम से पलटना है। जब आप डालें तो तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, और उस समय तेल गर्म होना चाहिए पर आपका जो हीट है, गैस का फ्लेम है, वो मीडियम रहना चाहिए। और यहाँ देखिए हमारे कटलेट बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं एक एक करके निकाल लूंगी। और यहाँ पे हमारे पोहा कटलेट बनके तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा।